क्रिकेट का खिलाड़ी स्क्वेयर लेग पर कर दिया था जेम्स एंडरसन ने, और वही गैप मिल गया सचिन तेंदुलकर को। फिर से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, एक घुटना जमीन पे लगा के और बल्ले का चेहरा खोला आखिरी समय पे, क्योंकि गेंद जो है वो बिल्कुल जमीन पे रहनी चाहिए। चहलकदमी आवश्यकता थी नहीं, लेकिन अब इतने बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी, गांगुली को ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी ना की जाए। अब देखना यह है कि सौरभ गांगुली यहां क्या रणनीति अपनाएंगे। चलिए, ये तो सामने की तरफ मारना चाहते थे सौरभ गांगुली, क्रिस ट्रेमलेट को डोमिनेट करने देना नहीं चाहते। हल्का सा शांत है सौरभ गांगुली के स्टैंडर्ड से। फाइन लेग अंदर है तो इस चतुराई से खेलता है ये बल्लेबाज। गेंद में कोई खराबी नहीं थी यहां पर, शानदार एक और अर्धशतक सचिन तेंदुलकर के बल्ले से भारतीय टीम के लिए ये रन्स बनाते रहे। बहुत बढ़िया, ये बल्लों के बीचों बीच आ गई सौरभ गांगुली की। कितना समय है ये शॉट खेलने के लिए, खूबसूरत शॉट, और इसी के साथ एक और शतकीय साझेदारी बुंदी है इस जोड़ी ने। सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा फिगर करते हैं उस लिस्ट में, और क्यों करते हैं उसकी कोई रीजनिंग नहीं है। कैच इट का कॉल था, मौका था वहां पे, क्या छलांग सही समय पे लगाई थी ट्रेमलेट ने। और सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे तरीके से उसको जानते भी हैं। गेंद हवा में, कोई गलती नहीं करी वहां कप्तान पॉल कॉलिंगवुड ने, और इस वजह से सौरभ गांगुली को वापस जाना पड़ेगा। और यही खासियत है फ्लिंटॉफ में, क्योंकि गति तो है ही है। 39 रनों की शानदार पारी खेली सौरभ गांगुली ने। एक और बाउंड्री, फिर वही निचले हाथ का ज्यादा इस्तेमाल। जहां बहुत बढ़िया, बहुत ही चतुराई से चार रन बटोर लिए सचिन तेंदुलकर ने। बहुत ज्यादा गति नहीं है इन कंपैरिजन टू फ्लिंटॉफ। ताकत का इस्तेमाल क्यों करना, ताकत का इस्तेमाल तब करिए जब करने की जरूरत है, जैसे यहां किया गया है। ये देखने वाली बात है, यहां थोड़ी सी दिक्कतें पेश हो रही हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो बाएं हाथ में थोड़े से क्रैम्प्स महसूस कर रहे हैं यहां सचिन तेंदुलकर। कोई चाहता ही नहीं है कि ये मैच मिस करें। इस खिलाड़ी के पास टाइमिंग का गिफ्ट है, और सुनहरा मौका एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का। इसीलिए इनको तीन नंबर पे उतारा गया है। शानदार टाइमिंग, कोई आवश्यकता नहीं किसी भी खिलाड़ी को। बहुत समय देते हैं अगर आपके पास गति। अपील करी है और दे दिया, अंपायर ने निर्णय गेंदबाज के पक्ष में दे दिया। मुझे तो ये कुछ डिबेटेबल सा डिसीजन लग रहा है। आइए एक बार फिर देखते हैं। ओ, कोनी के पास गेंद लगी थी, आम गार्ड जो उन्होंने पहना है उस पे आके गेंद लगी थी, इसलिए उसको अंदाजा लगाना शायद कठिन है। लेकिन सचिन निश्चित तौर पे निराश हुए, कि हाल में ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी 99 पे आउट हुए थे और यहां भी 99 रन बना के बाहर जाते हुए। डाइव करते रहिए आप, लेकिन गेंद रुकेगी नहीं, क्योंकि टाइमिंग लाजवाब रहती है। इस खिलाड़ी के पास भी बहुत समय है खेलने का।
अच्छा शॉट। युवराज सिंह अगर टिके रहे तो 300 का आंकड़ा तो पार होगा ही होगा। भारतीय कप्तान भी अच्छे नजर आ रहे हैं, जिस तरह से पारी बुनी है राहुल द्रविड़ ने यहां। शानदार, बहुत हल्का गैप था बीच में दोनों खिलाड़ियों के, बैकवर्ड पॉइंट और डीप थर्ड मैन के। अच्छी फील्डिंग, शानदार कैच, टूट गई है जोड़ी। 49 के स्कोर पर एक बड़ी ड्राइव लगाने की कोशिश, नीचे नहीं रख पाए, पर शानदार। महेंद्र सिंह धोनी अपने हाथ खोलते हुए यहां, खच भरे हुए हैं। समय है राहुल द्रविड़ के पास भी हाथ खोलने का। पांव जाके बाउंड्री के बोर्ड में लगा है फ्लिंट ऑफ का। बिल्कुल, टीम को अभी इनसे कुछ और ओवरों की अपेक्षा है, जरूरत है इनसे। फुल टॉस, जिस दिशा से गेंद आई उसी दिशा में गेंद को वापस। 4 रन के साथ भारतीय कप्तान का एक और अर्धशतक, शानदार बल्लेबाजी को शतक में तब्दील करना। बहुत टाइम है, बहुत ही टाइम है इस बल्लेबाज के पास, लंबी पारी खेलना चाहेंगे। आ गए थे तो चोटिल भी थे। फुल टॉस और उस गेंद को उसके सही अंजाम तक पहुंचाया। डिसमिसल पर शानदार कैच, घूमे तो पूरा थे पर बल्ले के थोड़ा सा ऊपर लगी वो गेंद। प्लेट का धोनी 21 रन बना के वापस, जगह बनाई वो शॉट खेलने के लिए और गैप एक बार फिर भेद दिया उन्होंने। ये तो करीबी मामला, बहुत करीब था पिक। और कई बार जब क्या बात है, कौन कहता है कि ये तेज तरीके से रन नहीं बना सकते। इस शॉट को देखकर कोई नहीं कह सकता कि एक और 4 रन ले लीजिए, गैप्स भी ढूंढ रहे हैं। एक और विकेट फ्लिंट ऑफ के नाम, 4 विकेट हासिल कर चुके हैं इस इनिंग में अब तक एंड्रू फ्लिंट ऑफ। और ये विकेट नंबर 5 विकेट एंड्रू फ्लिंट ऑफ के नाम, पहला 5 विकेट फ्लिंट ऑफ के नाम एक दिवसीय मैचेस में। यहां कुछ रन मिलने चाहिए, हर एक रन बहुमूल्य है क्योंकि यह आखिरी हो रहा है। तो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए 329 रन बनाए भारत ने, सचिन तेंदुलकर के 99, 49 रनों की एक अच्छी पारी खेली युवराज सिंह। ऑस्टम के बाहर, ये लाइन पे अगर गेंदबाजी करेंगे तो रन बनेंगे, आसानी से बनेंगे। ये पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी नजर आ रही है, पर गेंदबाजी बहुत टाइट करनी पड़ेगी। अलिस्टर कुक आज अपनी लय पकड़ नहीं पाया अभी तक अजीत अगरकर, क्योंकि लेग साइड पे आपने फील्ड। शानदार लाजवाब शॉट अलिस्टर कुक के बल्ले से, मौका जाने दिया, स्लिप्स पर आई थी अपॉर्चुनिटी। कि क्या कीपर का कैच था, महेंद्र सिंह धोनी को जाना चाहिए था, क्योंकि जिस अंदाज में सौरभ गांगुली की, ऐसा लगा कि एक्सपेक्ट तो वो यही कर रहे थे। और मौका देंगे तो मैट प्रायर छोड़ेंगे नहीं रन इस लाइनअप ने, और मैट प्रायर उसी चीज का फायदा भी उठा रहे हैं अलिस्टर कुक के साथ।
फेस कर रहे हैं, इसलिए सलामी जोड़ी का एक अच्छी साझेदारी देना बेहद आवश्यक। इंग्लैंड छोटी गेंद बहुत अच्छे ढंग से खेलते हैं, बहुत बहुत बढ़िया टाइमिंग, तो इसे आप नहीं कह। ये शॉट देखिए अब आप, इसे तो टाइमिंग जरूर कह सकते हैं। लोग बॉल की आवाज आई है पर उससे स्ट्रोक में कोई डिफरेंस नहीं रहा होगा मैट प्रायर का। जीवन दान एक बार और, इस बार गेंद बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है और भारतीय कप्तान आ रहे हैं गेंद के नीचे। कोई गलती नहीं की राहुल द्रविड़ ने। सेंड ऑफ तो बढ़िया है मुनाफ पटेल, जानते हैं कि अगर नो बॉल नहीं रहती तो मैट प्रायर उनका शिकार पहले ही बन चुके होते। प्रायर 33 रन बना के वापस, आवाज आई है, धोनी तक गेंद पहुंच गई। दो गेंदों में दोनों सेट बल्लेबाज तो हैट्रिक पे होंगे। गेंदबाज की विकेट है जी ये, पर अच्छी इनिंग्स, अच्छी ओपनिंग साझेदारी। कैच छूट गया रमेश पवार से, तक लगाया था इयान बेल, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, जानते हैं वो खुद गेंदबाज हैं। अब रन्स आसानी से बटोरे जाएंगे। एक ऑपर्चुनिटी और, बहुत बढ़िया, बड़ा मुश्किल शॉट है ये लेकिन आसान ढंग से खेलते हैं। मजा आ गया ये शॉट देख के, तकनीकी रूप से देखिए कितना खूबसूरत ये शॉट है, बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया इयान बेल ने। पके हैं, ये आते ही झटका दिया पीयूष चावला ने, शानदार गेंद। यकीनन ये पीयूष चावला की बड़ी जीत है। जी हाँ, बल्ले और पैड के बीच में से गेंद निकल गई। बहुत अहम है पीयूष चावला और रमेश पवार की गेंदबाजी रखने होंगे। अच्छा शॉट खेला, समय अतिरिक्त मिला था, यहां टप्पा थोड़ा सा और आगे लेके चलना होगा पीयूष चावला को। चिप करी है कॉलिंगवुड ने सही क्षेत्र में, चार रन बचिएगा इनकी। ओए फंस गया, लेग स्पिनर की तरह अगर आप इन्हें खेलते रहेंगे या आपको अपने जाल में फंसाते रहेंगे। किसन के बाद कॉलिंगवुड को भी चलता किया, 27 पे वापस, चौथा झटका इंग्लैंड के लिए। शुरुआत अच्छी हुई है, गेंदबाजी में आज 5 विकेट हासिल किए थे एंड्रू फ्लिंटॉस ने। छोटी गेंद तो नहीं कर सकते आप इनको। फिर साइड की बाउंड्री पकड़ता है यहां बल्लेबाज, लेकिन जितनी आप समझ रहे हैं, माना ब्रिस्टल में साइड की बाउंड्रियां छोटी हैं, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं अगर टाइमिंग ठीक ना हो। ऐसा लगा मानो गेंद हवा में दिखी मारने वाली, जब टप्पा पड़ा तो खींची हुई थी भारतीय टीम ने। अच्छा खेला है, इयान बेल बाकी सभी बल्लेबाजों से अलग नजर आए हैं। इंग्लैंड टीम को जीत दिला सकती है, इस तरीके के शॉट्स और रनिंग मिलती रहेगी तो इयान बेल रन्स बटोरते रहेंगे। एक और अर्धशतक इस अच्छे बल्लेबाज के लिए। थोड़ा सा टप्पा करीब था और इसी वजह से शॉट खेलने में कामयाब रहे, कोशिश की थी आरपी सिंह ने लेकिन गेंद ने उनको हराया। अपील करी है और अंपायर को ऐसा लगा कि बिल्कुल सामने है विकेट के, साझेदारी तोड़ दी यहां पर। अच्छी बात यह कि उन्होंने वो लाइन नहीं छोड़ी ऑफ मिडिल स्टंप की लाइन, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल
नची लय में आज नजर आए हैं, अच्छी गेंदबाजी की है मुनाफ पटेल ने। लंबा, ये तो बहुत लंबा शॉट है। मैन इन फॉर्म ट्रम्बलेट खेले इनकी जगह, और भारतीय टीम में दो स्पिनर और का सफलता भी मिलती हुई यहां पर। इयन बेल गलती कर गए, पे कैच पकड़ना आसान नहीं रहता, और यहां पे पीयूष चावला इस बार एक बार फिर फंसाते हुए इयन बेल को। नजरें गड़ाई रखी गेंद के ऊपर, 64 रन इयन बेल ने बनाए 240 पे 7 इंग्लैंड। लंबा शॉट, इनको हल्का मता किए मैस्करेनस। अच्छा शॉट, बाजू खोलते हैं तो फिर गेंद जो है वो बाउंड्री के पार ही जाती है, और इस तरीके के शॉट्स लिखते रहेंगे तो इंग्लैंड बहुत जल्दी अपने टारगेट की तरफ चलती नजर आएगी। ये चली गेंद, देखिए जितनी ऊंची, अर्शतक मैस्कुरेनस के नाम, क्या कमाल की पारी खेली है अपनी टीम के लिए, और उस समय जब रन चाहिए सकते हैं। बहुत ज्यादा गेंद ऊंची चली गई है, अजीत अगरकर कोई गलती नहीं करेंगे, और हो सकता है यही आखिरी उम्मीद। पांच लंबे छक्के लगाने के बाद सोचा था कि यहां एक और बड़ा शॉट लगाएंगे, रनों की जो औसत है वो चूक गए, पर शानदार पारी मैस्करेनस की 52 रनों की। और इस तरह से स्टुअर्ट ब्रॉड ने उनका स्वागत किया है। लेकिन आज भारतीय टीम की फील्डिंग बढ़िया नहीं रही, द्रोणी किनारा भाग्यशाली रहे ब्रॉड, एक और 4 रन। सामने बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से और गेंद बाउंड्री के उस पार, महंगा ओवर ये घट रहा है मुनाफ पटेल की अगर बात करें। फिर जोर से बल्ला घुमाया और फिर गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई। कोई रन नहीं यहां, भारत ने यह मुकाबला जीत के 1-1 की बराबरी कर ली है इस श्रृंखला में। शुरुआती बल्लेबाजी ने मैच सेटअप किया सचिन तेंदुलकर की शानदार पारी, युवराज सिंह की